वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज डे 19। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं डे 19 पर। अगर आप पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं, इट मींस पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं डे 18 जिसे, तो भाई क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, बहुत आसान है। और अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो हम आपकी सेवा में तत्पर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और हम आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और मैं ही खुद करूंगी, आपको खुद पता है कि मैं अपना जो चैनल है वो खुद से हैंडल करती हूँ, ठीक है। तो चलिए डे 19 में आगे बढ़ते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर डे 19 का ये है आपका, मैंने बोला तुम्हारी आवाज कट रही है। कई बार हम बोलते हैं फोन पे, हाँ तुम्हारी आवाज कट रही है या आपकी आवाज कट रही है बोलते हैं ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। Your voice is breaking up. आप भी रिपीट करिए, इसीलिए हम रुके हैं। चलिए तो सेकेंड नंबर सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने बोला मुझे फोन चार्ज करना है, या मैं बोल रही हूँ कि मुझे फोन चार्ज करना है। तो मुझे फोन चार्ज करना है, इसकी इंग्लिश टू चार्ज माय मोबाइल। आई नीड टू चार्ज माय मोबाइल। सेंटेंस नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इन दो सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करना है, आपको मेरे साथ रिपीट करते जाना है। फर्स्ट मैंने बोला था कि आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, और मेरा मोबाइल चार्ज करना है, इसकी इंग्लिश होगी आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। सेकंड थ्री देखते हैं, बेटा सेंटेंस नंबर थ्री, परेशान मत करो यार, अपनी पढ़ाई कर लो, दूसरों पर क्यों ध्यान दे रहे हो, तो दूसरों को परेशान मत करो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट डिस्टर्ब अदर। कितना आसान होता है ना इंग्लिश में बोलना। हाँ, जितनी कठिन हिंदी लगती है ना उतनी सिंपल इंग्लिश लगती है, बट सीखते हैं तब, ठीक है। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको डेली ऐसी प्रैक्टिस सीरीज देती रहूंगी। प्रैक्टिस सीरीज डे 19 है बेटा, डे 20 भी आएगा, डे 21 भी आएगा। और अगर आप एक चैलेंज, मैंने बोला कि अगर आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक चैलेंज चल रहा है हमारा 8 PM पर, 90 डेज चैलेंज है, तो उसे विजिट जरूर करें। एक बार देखना ना भूलें, बस एक बार देख लेना, मजा आए तो देखना, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। परेशान मत करो, दैट मीन्स डोंट डिस्टर्ब अदर्स, सिंपल था। सेंटेंस नंबर पे भी जी, तो इतना घमंड ठीक नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी सच एरोगेंस इज नॉट गुड। एरोगेंस मतलब होता है घमंड, एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि एटीट्यूड मतलब घमंड होता है, बट एरोगेंस मतलब रियल वाला घमंड होता है। और एटीट्यूड मतलब होता है जो आपका तौर तरीका, लहजा या फिर बर्ताव होता है, उसको एटीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला कि इतना घमंड ठीक नहीं, तो इसकी इंग्लिश आप क्या बोलेंगे? जल्दी से रिपीट कर दीजिए, सच एरोगेंस इज नॉट गुड। क्लियर? ओके, सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं बच्चा पार्टी, चलिए आगे मेरे साथ 5 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। कई बार होता है ना कि पेट की वजह से पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। सो इस गुड़गुड़ाहट का मतलब क्या होता है? इस गुड़गुड़ाहट को इंग्लिश में बोलते हैं रंबल। इंग्लिश बोलेंगे अगर हमने ये बोला कि मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, गुड़गुड़ाना तो समझते हैं ना, जब हमारा खाली पेट होता है, हमें भूख लगती तो पेट से एक आवाज निकलती है जिसे बोलते हैं गुड़गुड़ाना, ठीक है। तो मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, इसकी इंग्लिश होगी माई स्टोमक इज रंबलिंग, क्योंकि रंबलिंग मतलब होता है क्या? गुड़गुड़ाना। क्लियर है? आप भी मेरे साथ रिपीट करिए, ये सेंटेंस आप बार बार बोलेंगे, है कि नहीं बच्चा पार्टी? हाँ जी। चलिए तो इस रिपीट कर लेते हैं इस सेंटेंस को। मैंने बोला कि मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, माई स्टोमक इज रंबलिंग। सेंटेंस नंबर 6 है आपका, तुम्हारा डरना जायज है। कई बार हम गलती करते हैं, डरता है तो हम क्या बोलते हैं? अब तुम्हारा डरना तो भैया जायज है, जब गलती करिए तो डरना तो जायज है। तो ये डरना तो जायज है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? योर फियर इज जस्टिफाइड। सिंपली आप बोलेंगे, जब आपको बोलना हो कि तुम्हारा डरना जायज है, इसकी इंग्लिश होगी योर फियर इज जस्टिफाइड। चलिए बच्चा पार्टी, सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 है आपका, ये अंदर की बात है। कई बार हम लोग बात करते हैं, हम बोलते हैं तुम्हारी बात नहीं, ये अंदर की बात है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स ओके। इसके अलावा आप बोल सकते हैं इट्स इनर सीक्रेट। क्या बोल सकते हैं आप? इट्स इनर सीक्रेट, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स इनर थिंग्स।
इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है? गुड. अगर आप बोल रहे हो कि ये तो अंदर की बात है, छुपा के रखने वाली है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स इनर थिंग, इट्स इनर सीक्रेट. क्लियर? सेंटेंस नंबर 8 देख लेते हैं. कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसपे हमें विश्वास नहीं होता है, तो हम कई बार क्या बोलते हैं, ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है. बोलते हैं ना कि यार इतना बड़ा काम हो गया भगवान, बस भगवान इतने सारे व्यूज आ गए मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज पर, ये तो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है. तो चमत्कार से कम नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स नथिंग सॉर्ट थिंग सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी. ठीक है बेटा, अगर आपको किसी चीज पर या कोई चीज अनबिलीवेबल है, विश्वसनीय नहीं है, मतलब ऐसा विश्वास नहीं कि आप विश्वास पात्र की बात कर, ऐसी चीज हो जाना जो जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये चीज हो गई, हम चाहते थे कि हो जाए लेकिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो अचानक से हो गई, तो हमारे मुंह से निकलता ना ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है. तो इट्स नथिंग सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल फॉर मी. क्लियर? ठीक है, रिपीट करते जाना, आपके लिए रिपीट करना आवश्यक ही आना पड़ता है. या हम जब ये बोलते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, बोलते हैं ना कि बार बहुत बहुत ये फूल है ना, बहुत आसान. हमारे साथ रिपीट करिए, ग्रेट क्राई एंड लिटिल. जैसे कोई बोलता है अरे यार तुम तो काम अच्छा कर लेते हो, अरे ये तो मेरी खासियत है, तो ये तो मेरी खासियत है, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट्स या इट इज माय स्पेशलिटी. क्या बोलेंगे? सुनाई नहीं दिया. आपको रिपीट करते जाना है बेटा, रिपीट करेंगे जब ही आपको आएगा. जैसे मैंने बोला कि ये तो मेरी खासियत है, तो आप बोल सकते हैं इट इज माय स्पेशलिटी या इट इज ओनली माय स्पेशलिटी. ये सिर्फ मेरे अंदर को भी और किसी के अंदर नहीं, हालांकि लड़कियों में सभी में काम करने की काबिलियत. इट्स ओनली माय स्पेशलिटी, जब आपको बोल रहा हूँ कि ये तो मेरी खासियत है, इट्स ओनली माय स्पेशलिटी, आप आराम से ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं. सो बताइए आपको D19 पसंद आया? चलिए बेटा, अगर आपको D19 पसंद आ चुका है तो D19 को कर दीजिए लाइक इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो कोई गल ना जी, इसी टाइम पर मिलते हैं अगेन. 8 AM को डेली प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपकी, तो आप देखना ना भूले. और D20 देखना है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से अच्छे से कमेंट कर दीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हो जाए आपसे और हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज जो है सफल हो जाए. 2 दिन से बिना मार्कर से इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज चल रही है. ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ज्यादा पसंद आ रही है तो जल्दी से अपने मित्र सहपाठी सहेली दोस्त याराना को शेयर कर दीजिए, और ऐसी हमारी वीडियोस देखते रहिए. थैंक यू सो मच.